गाइज आज हम बात करने वाले हैं सौरव जोशी कैसे बने इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर। जी हाँ गाइज सौरव जोशी एक ऐसा नाम जिन्होंने लोगों के बीच अपनी पहचान तो ड्राइंग के जरिए बनाई थी, लेकिन जब से इन्होंने डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट किया तब से छोटे से लेकर बड़े तक लगभग सभी लोग जानने लगे। सौरव जोशी आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बन चुके हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। तो इसी बात को क्लियर करते हुए सौरव जोशी ने अपने रिसेंट के व्लॉग में अपने सक्सेस की स्टोरी बताई, तो आइए देखते हैं उस क्लिप को। बेस तो यही है आर्ट वाला चैनल, जिसकी वजह से मेरा व्लॉग वाला चैनल ग्रो हुआ। बिकॉज स्टार्टिंग में मैंने इस पे डाली थी देखो 650 वीडियोस अराउंड, तो हाँ उसके बाद फिर मैंने व्लॉगिंग चैनल बनाया था क्योंकि आर्ट वाली ऑडियंस ही मेरे व्लॉग देखती थी स्टार्टिंग में। फिर उसके बाद फिर लोगों को पसंद आए तो डेली व्लॉगिंग भी हो गई। अगर मेरा आर्ट वाला चैनल नहीं होता ना तो मैं ब्लॉगिंग में कभी भी ग्रो नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा मेन चैनल तो यही था ना, यहीं से मुझे ऑडियंस मिली थी स्टार्टिंग में ब्लॉगिंग में।